नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई 18 नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की है। लगभग 2.91 करोड़ रुपए की ये 18 गाड़ियां आज से ही शहर की जनता को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिमला प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है। शिमला स्मार्ट सिटी से शहर का रूप रंग बदलता है। इस योजना के अंतर्गत यहां आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राइट, एचआरटीसी शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए सुविधा दे सकें, महिलाओं को भी दे सकें, और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सकें, उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है। और मैं एचआरटीसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 18 इनोवा गाड़ियां जो है आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहां पर हमने समर्पित की है शिमला में, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक एडिशन शिमला शहर के लोगों के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचलवासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुल्ला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं कर पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे ही, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की ही।
इस हेम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई थी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285,35,00,000 रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों में 320 पदों के अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से HPMC या खुले बाजार से खरीद की गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर 6% सब्सिडी के प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए कार्टन और ट्रे का GST भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सेब उत्पादकों को जो पैकिंग मटेरियल कार्टन्स और ट्रेस मिल रही हैं, उसमें जो GST 18% लिया जा रहा था, उसमें 6% GST का हिमाचल प्रदेश सरकार एज सब्सिडी जो है वो सीधा ग्रोअर को देगा। ये मटेरियल चाहे HPMC से खरीदा हो, अन्य गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदा हो या प्राइवेटली जो है वो खरीदा गया हो, जो इसके फॉर्मेलिटीज हैं जैसे GST का बिल और आपका जो है वो एप्पल बॉक्सेस भेजने का जो आपका बिल होता है या बिल्टी होती है, और अपना अकाउंट नंबर जो है वो आधार लिंक जो अकाउंट नंबर है वो साथ देना होगा, ये सीधा जो है वो ग्रोअर को ट्रांसफर होगा पैसा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उन्होंने इसे जो है वो अप्रूव किया और इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज मंत्रिमंडल ने जो है दी है। इसके अलावा फ्रूट ग्रोअर्स के जो अन्य कमेटी द्वारा जो है वो निर्णय लिए गए थे, जैसा जो है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की पुरानी जो उनकी व्यवस्था थी सब्सिडी की, उसी प्रकार से जो है वो दुकान में जो है वो मटेरियल पर जो है वो मिला करेगी, जो बैक डिसीजन हो गया है।
और इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय जो है वो जो सेब उत्पादकों के हक में है वो आज जो है मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लगभग 3,500 दुकानें जो है वो डिपो होल्डर्स पीडीएस का सामान बेचती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जो कमीशन है वो आज तक बहुत कम मिलती है। अभी तक जो है जो एग्जिस्टिंग है शुगर के ऊपर 7.57 जो है वो कमीशन दी जाती थी, 7.57 रुपये, ये बढ़ाकर के 50 रुपये कर दी है। और जो स्टेट के स्पेशली सब्सिडाइज स्कीम है उसमें जो कमीशन अभी तक दी जाती है वो 3% दी जाती है, जो पल्सिस इत्यादि के ऊपर है वो भी बढ़ाकर के अब 4% कर दी है, 1% उसमें भी जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए ठियो के पूर्व विधायक राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा ने बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन किया है। ठियो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंची। और सभी इलेक्टेड लोग और पूर्व में रहे प्रधान और जो इलेक्टेड लोग हैं उनको लेकर यहाँ पर आई हैं, इनका बहुत बहुत हम पार्टी में स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि इन्होंने हमारे परिवार को बढ़ाया है और इतनी तादाद में इतनी संख्या। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिर